नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो चलिए समझ लेते हैं रक्त परिसंचरण कहते किसे हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में क्या पढ़ा कि हमने भोजन खाया उसका पाचन होता है, कहाँ पर? पाचन तंत्र में। तो जैसे ये हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र आर नाल में होता है, एक तरीके की ट्यूब होती है ये। जैसे ये बड़ी आंत हो गई और इसके बीच में हो गई छोटी आंत यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा आरनाल होता है, यहाँ पर हमारे भोजन का अवशोषण होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अभी तक आपने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी उस वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भोजन का अवशोषण होता है, पदार्थों का अवशोषण होता है, और वो कहाँ पर डाल दिए जाते हैं? रक्त में डाल दिए जाते हैं। जैसे ये रक्त वाहिनी है, तो यहाँ से जो भोजन का अवशोषण होता है, जैसे मोनोसैकेराइड्स, वसीय अम्ल, ग्लिसरोल, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और भी बाकी के जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनका अवशोषण होता है, और वो कहाँ पर डाल दिए जाते हैं? रक्त वाहिकाओं में, यानी ब्लड वेसल्स में डाल दिए जाते हैं। और जो वसीय अम्ल और ग्लिसरोल हो वो चले जाते हैं लसीका तंत्र में। तो अभी हम उसकी बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं मोनोसैकेराइड की। तो मोनोसैकेराइड का अवशोषण होता है छोटी आंत में, छोटी आंत उसे कहाँ पर डाल देती है? रक्त में डाल देती है। अब जो रक्त में ग्लूकोज होता है वो तो यकृत में संचित हो जाता है, और बाकी के जो पदार्थ हैं उनका स्वांगीकरण हो जाता है। स्वांगीकरण किसे कहते हैं? विभिन्न कोशिकाओं तक ये जो भोज्य पदार्थ है उस पहुंचाने की क्रिया है, उसे हम स्वांगीकरण कहते हैं। यानी रक्त में डाल दिए गई है खाद्य पदार्थ, उसके बाद में ये चले जाते हैं सभी कोशिकाओं में, इसे हम क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये जाते किसके द्वारा हैं? रक्त के द्वारा जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में भी हमने ये पढ़ा है कि जो गैस है, जैसे हम समझ लेते हैं ये हमारा श्वसन तंत्र है, अब श्वसन तंत्र में हम क्या करते हैं? श्वास को अंदर ग्रहण करते हैं और श्वास को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? कोशिकाओं में जाती है, और कोशिकाओं में एटीपी का निर्माण करती है। ये जो ग्लूकोज सभी कोशिकाओं में जा रहा है उनका ऑक्सीकरण करती है और उनसे एटीपी प्राप्त करती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? O2 अंदर ग्रहण करते हैं। O2 अंदर ग्रहण होने के बाद में ये O2 कहाँ पर ही चली जाती है? कूपिकाओं के द्वारा ये चली जाती है केशिकाओं में, यानी रक्त में चली जाती है ये ऑक्सीजन। और ये चली जाती है ऑक्सीजन कहाँ पर? जो कोशिकाएं हैं वहाँ पर। अब कोशिकाओं में जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसके बाद में CO2 का निर्माण होता है। वो CO2 भी कहाँ पर डाल दी जाती है? रक्त में डाल दी जाती है, और रक्त से ये आती है फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से ये बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जिस किसी पदार्थ का परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है, यानी ब्लड के द्वारा होता है। तो इस तंत्र को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन टॉपिक आते हैं, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त। उन्हें जानने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। इसमें होता क्या है रक्त परिसंचरण तंत्र में, कि हमारे शरीर में जो भी पदार्थ स्थानांतरित होता है वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। और इसके पूरे तंत्र को, यानी रक्त के प्रवाह को, पूरे तंत्र जो काम करता है उसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? खाद्य पदार्थों को भी एक स्थान से दूसरी कोशिकाओं में स्थानांतरित कर सकते हैं, या फिर गैसों का विनिमय भी कह सकते हैं। तो एक बार लिख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इनमें गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों में दोनों आ गई, O2 भी आ गई और CO2 भी आ गई, तो गैसों का विनिमय, उसके साथ ही हार्मोन भी यही स्रावित करता है। हमने पढ़ा था पिछले में, अब दोबारा से रिपीट कर देते हैं। हार्मोन कौन स्रावित करता है? हार्मोन नलिका विहीन ग्रंथियां स्रावित करती हैं, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी होती हैं? जिनमें नलिका नहीं पाई जाती है वो हार्मोन त्यागती हैं। जैसे यहाँ पर कोई ग्रंथि है, अब इसे कोई विशेष स्थान पर, शरीर के कोई विशेष स्थान पर यदि इसे अपना स्रावित
पदार्थ पहुंचाना है, यानी हार्मोन पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाती है? वो यहाँ से नलिका नहीं लेके जाती है, वो क्या करती है, उस हार्मोन को रक्त में डाल देती है और रक्त उसे पूरे शरीर में पहुंचा देता है और जहां पर उसकी आवश्यकता होती है उसे मिल जाता है। यानी हार्मोनों का प्रभाव कौन करता है? रक्त ही करता है। यानी गैसों का, हार्मोन का, खनिज पदार्थ का, यहाँ से ये जो बड़ी आंत है इसमें खनिज पदार्थों का अवशोषण होता है, और खनिज पदार्थ कहाँ पर डाल दिए जाते हैं? रक्त में डाल दिए जाते हैं। रक्त में कैसे डाले जाते हैं? हमने छोटी आंत में पढ़ा था कि इसमें जो सब म्यूकोजा लेयर होती है, अध्श्लेष्मिका जो लेयर होती है उसमें ये रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं। तो जो म्यूकोजा लेयर है यानी श्लेष्मिका लेयर है वो तो क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है और उसे डाल देती है अध्श्लेष्मिका यानी सब म्यूकोजा में, और सब म्यूकोजा में पाई जाती है रक्त वाहिनी और वो वहां पर पहुंच जाता है। तो रक्त वाहिनी में ऐसे पहुंचकर आगे जाकर एक बड़ी रक्त वाहिनी मिल जाती है और वहां पर क्या होता है, खनिज पदार्थों का स्थानांतरण होता है। इसके साथ ही जो बड़ी आंत है उसमें किसका अवशोषण होता है? जल का अवशोषण भी होता है। यानी जल भी जो है वो किसके द्वारा पहुंचा जाता है? रक्त के द्वारा पहुंचाया जाता है। और इसमें जल में आयन भी होते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम और क्लोराइड आयन, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो भी छोटी आंत, सॉरी बड़ी आंत में जल के साथ ही आकर कहाँ पर चले जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं। इसके साथ ही जो प्रोटीन है वो भी क्या करती हैं? रक्त के द्वारा स्थानांतरित होती है। ये तो हो गया रक्त परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो स्थानांतरित पदार्थ हैं वो, यानी गैस, हार्मोन, खनिज, जल, आयन और प्रोटीन किसके द्वारा स्थानांतरित होती हैं? रक्त के द्वारा स्त्रावित होती हैं, सॉरी स्थानांतरित होती हैं। और इस पूरे तंत्र को हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हृदय, रक्त वाहिनी और रक्त। तो इसमें हम लिख लेते हैं, जो हृदय है हमारे शरीर का यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का एक प्रमुख अंग है, क्योंकि हृदय के द्वारा ही रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। ये किसकी तरह काम करती है? मोटर की तरह काम करती है, यानी पंप की तरह काम करती है। यानी हृदय जो है वो रक्त को धक्का देता है, उस पर दबाव बनाता है ताकि वो पूरे शरीर में प्रेशर के साथ पहुंच सके। यानी हृदय क्या करता है? मोटर या पंप की भांति कार्य करता है। ये ऐसा क्यों करता है, यानी हृदय हमारे शरीर में क्यों पाया जाता है? हृदय हमारे शरीर में इसलिए पाया जाता है ताकि हमारे जो ऊपर का पार्ट है, जैसे हृदय तो नीचे का पार्ट है और ऊपर के जैसे सिर है, मस्तिष्क में भी हमें रक्त की आवश्यकता होती है क्योंकि रक्त वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो रक्त की वहां पर आवश्यकता होती है, इसलिए हृदय पंप करता है ताकि ऊपर तक दबाव बन सके और रक्त वहां पर पहुंच सके। इसलिए हृदय एक आवश्यक है क्योंकि ये मोटर या पंप की भांति कार्य करता है। इसी तरह से जो रक्त वाहिनियाँ हैं वो किसकी तरह कार्य करती हैं? जैसे ये काम करती हैं रोड की तरह, और जो रक्त है वो गाड़ी की तरह काम करता है। यानी हम जो भी पदार्थ पहुंचा रहे हैं, जैसे गैस, हार्मोन, खनिज, जल, आयन और प्रोटीन पहुंचा रहे हैं, तो ये तो हो गई हमारे ट्रांसपोर्ट करने के सामान, ये तो हो गए हमारे सामान। अब इसे हमें पहुंचाना है कहीं भी, तो हम क्या करते हैं, हम रक्त के द्वारा पहुंचाते हैं, क्योंकि रक्त एक गाड़ी है, तो हम सामान रक्त में डाल देंगे, सॉरी सामान गाड़ी में डाल देंगे, यानी ये जो गैस, हार्मोन, खनिज, जल, आयन और प्रोटीन है ये रक्त में डाल देंगे। और रक्त किसके द्वारा जाता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है। जैसे गाड़ी किसके ऊपर जाती है? रोड के ऊपर जाती है, सामान लेकर गाड़ी रोड के ऊपर जाती है। इसी तरह से जो ये खाद्य पदार्थ हैं, ये जो पदार्थ हैं, इन्हें रक्त लेकर जाता है किसके द्वारा? रक्त वाहिनियों के द्वारा। और हृदय क्या करता है? उन्हें पंप करता है, उनमें प्रेशर बनाता है ताकि वो हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच सके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे जो लाइव चैट चल रही है उसमें आप लिख सकते हो। हम बात कर रहे हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। रक्त परिसंचरण तंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। और हम यहाँ पर मानव की बात करें, क्योंकि ये जो हमने आरनाल और श्वसन तंत्र बताए हैं ये किसके हैं? मानव के हैं। और इस चैप्टर में हम मानव के बारे में बात करेंगे। तो मानव का जो श्वसन तंत्र होता है, सॉरी मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, वो कैसा होता है? बंद परिसंचरण तंत्र।
अभी हमने बताया कि रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र। तो पहले हम बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में जान लेते हैं। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कि रक्त वाहिनियों में बहता है। यानी यदि हमें किसी भी पदार्थ का यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना है तो वो किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा होता है। लेकिन रक्त उन पदार्थों को सीधे ही कोशिका के अंदर प्रविष्ट नहीं हो जाता है। यानी ऐसे नहीं कि रक्त सीधे ही कोशिका के अंदर जाता है सीधा और कोशिका को जो चाहिए वो ले लेता है और रक्त वापस से आ जाता है, ऐसे नहीं होता है। रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों में बहता है। यानी जो गाड़ी है वो कभी रोड से अलग नहीं होती है। जैसे हम गाड़ी में सामान भर के ले जा रहे हैं, अब रोड आता जा रहा है, रोड पे ही चलते जा रही है, वो गाड़ी रोड से नीचे नहीं उतरती है। अब कहीं भी पहुंचाना है तो वो रोड के ऊपर खड़ी हो जाएगी और उस सामान को साइड में उतार देगी। यानी रक्त जो है वो रक्त वाहिनियों से अलग नहीं होता है, हमेशा रक्त वाहिनियों में ही बहता रहता है। अभी हम समझ लेते हैं कैसे होता है रक्त। बंद परिसंचरण तंत्र, जैसे ये हमारा हृदय है, अभी हमने बताया हृदय किसके भांति कार्य करता है, मोटर या पंप की तरह कार्य करता है। यानी यहां से आ गई हमारी महाधमनी। अब इस महाधमनी में क्या है, प्रेशर बना हुआ है क्योंकि रक्त पर यहां पर दबाव बनता है हृदय के द्वारा, तो यहां से प्रेशर बनता है। अब ये जाती है आगे, जैसे आगे टुकड़ों में बढ़ती जाती है। अब हम बात करें एक कोशिका की, कि यदि इसे कोशिका के अंदर कोई पदार्थ स्थानांतरित करना है, जैसे इसमें है ऑक्सीजन, हृदय के अंदर जब महाधमनी आती है तो महाधमनी में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। अब ये ऑक्सीजन युक्त रुधिर है वो जाता है कोशिका में, क्योंकि कोशिका को इसकी आवश्यकता होती है। तो जैसे ये कोशिका है, अब ये रक्त इसके अंदर चला जाता है। अभी हमने बात की कि यहाँ पर बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त कभी रक्त वाहिनियों में से अलग नहीं होता है, रक्त हमेशा रक्त वाहिनियों में बहता रहता है। अब यहाँ पर जब इसके अंदर प्रविष्ट होगी ये धमनी, तो ये अलग अलग भागों में टूट जाएगी इस तरह से, अलग अलग भागों में टूट जाएगी। इन्हें हम केशिका कहते हैं। यानी धमनी सिराओं से जहाँ पर मिलती है, अब यहाँ पर सिराएं बनेंगी, अभी देखते हैं सिराओं कैसे बनेंगी, जहाँ पर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं केशिका। ये जो पतली पतली नलिकाएं हैं, रक्त वाहिकाएं हैं, ये कौन सी हैं? केशिका, कैपिलरी है। अब ये कोई ऑर्गन है, या फिर हम इसे ऊतक भी कह सकते हैं, ये कोई ऊतक है। ऊतक किससे मिलकर बना होता है? समान कार्य संपादित करने वाली कोशिकाओं से। यानी इसके अंदर क्या होंगी, इस ऊतक के अंदर कोशिकाएं होंगी, जैसे ये कोशिका, इस तरह से यहाँ पर कोशिकाएं होंगी, जी कोशिकाएं होंगी। अब इन कोशिकाओं को यहाँ से ऑक्सीजन लेना है, तो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं, केशिका होती है, इनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनके द्वारा जो सामान इन्हें उतारना है, यानी गाड़ी से सामान, यानी रक्त से जो हमें सामान उतारना है वो आराम से उतार लेंगे, क्योंकि इसके अंदर छिद्र पाए जाते हैं। अब उतारेंगी कैसे, सीधे इसके अंदर प्रविष्ट नहीं होती हैं। अब इस जो ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं, इनमें एक फ्लूड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, यानी एक द्रव पाया जाता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ये तरल भाग होता है। अब उन छिद्रों से ये जो तरल भाग है ये निकल जाएगा, जैसे यहाँ पर प्लाज्मा निकल गया बाहर। ये प्लाज्मा इसके अंदर ऑर्गन के अंदर भर गया, इसे हम कहते हैं ऊतक द्रव, क्योंकि ये ऊतक में भरा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊतक द्रव कहते हैं। अब इस ऊतक द्रव में क्या है, ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन युक्त रुधिर यहाँ से आया और यहाँ पर प्लाज्मा के साथ बाहर निकल गया। अब प्लाज्मा से ये कोशिकाएं इन्हें ग्रहण कर लेंगी ऑक्सीजन को, और ग्लूकोज को भी ग्रहण कर लेंगी, यानी इन्हें जो आवश्यक पदार्थ चाहिए वो तो ग्रहण कर लेंगी और ग्रहण नहीं करेंगी। और इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ है, जैसे एटीपी निर्माण के समय क्या क्या बनता है, एक तो CO2 बनती है और अवशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। तो हम CO2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है,
वैसे तो सभी पदार्थों का विनिमय होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो केवल अभी इसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई इस द्रव में। अब यहाँ पर ये जो द्रव है ये कैसा हो गया, डिऑक्सीनेटेड हो गया, यानी अशुद्ध रुधिर हो गया। अब ये जो सॉरी रुधिर नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, ये जो ऊतक द्रव है इसमें ऑक्सीजन आ गई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। अब इस में आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये फ्लूड यहाँ पर भी छिद्र पाए जाते हैं, तो ये फ्लूड चला जाता है वापस इसके अंदर। इस तरह से यहाँ पर प्रोसेस चलती रहती है, यहाँ से निकलता है, यहाँ से वापस चला जाता है। अब वापस जाएगा तो इस रक्त में क्या होगा, ऑक्सीजन की तो कमी हो गई क्योंकि ऑक्सीजन निकल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। यहाँ पर जो रुधिर होता है अब धीरे धीरे कैसे होने लग गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हो गया, यानी अशुद्ध रुधिर होने लग गया। यहाँ से अब ये आगे जाकर मिल जाती हैं और इनसे बना लेती हैं सिरा, यहाँ से सिरा बन गई। यानी ये जो सिरा है और धमनी है ये यहाँ पर मिल रही हैं आपस में, यानी ऑक्सीजन तो निकल रही है इससे और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर वापस घुस रही है। इसे हम क्या कहते हैं, सिरा कहते हैं। यानी धमनी और सिरा के बीच के जो स्थान है, जो इन दोनों को मिलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिका कहते हैं। अब ये सिराएं बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऊतक होते हैं। अब ये बहुत सारी सिराएं आपस में मिलकर और रक्त में वापस, सॉरी हृदय में वापस चली जाएंगी, और हृदय वापस इन्हें ऑक्सीजन देकर, ऑक्सीजन कहाँ से देगा, यहाँ पर ये जो ये सिरा है ये जाती है कहाँ पर, फेफड़ों में, और फेफड़ों से रुधिर जो है वो शुद्ध होता है, यानी रक्त शुद्ध होता है, उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। अभी हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में कि उसमें कूपिकाएं कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करती है, यानी उनका विनिमय करती है। अब ये जो शुद्ध रुधिर है वो आ जाता है हृदय में, और हृदय से यहाँ पर वापस से ऑर्गन में, इस तरह ये सर्कुलेशन चलता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। अभी हमने बात की थी रक्त परिसंचरण तंत्र में तीन प्रमुख भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हृदय, ये बीच का हृदय, यानी ये क्या करता है, पंप करता है, यहाँ से माधमनी ये पंप कर रहा है, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी के द्वारा ही रक्त आ रहा है यहाँ पर, ये रक्तवाहिनी, ये जो धमनी है ये भी रक्तवाहिनी है, सिरा है ये भी रक्तवाहिनी है, और इसके बीच में जो केशिका है वो भी एक प्रकार की रक्तवाहिनी है। और दूसरा तीसरा है रक्त, रक्त तो है ही मेन, क्योंकि ये जो रक्त वाहिनी है इसमें ऑक्सीजन को कौन लेके आ रहा है, रक्त लेकर आ रहा है, यानी ये तो हो गए रोड, और इसके अंदर जो रक्त जा रहा है उसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, यानी वो कैसी हो गई, वो एक तरह की गाड़ी हो गई। और यहाँ पर जब ऑर्गन में आती है तो उस गाड़ी में से, वो गाड़ी नीचे नहीं उतरती है, उस गाड़ी में से यहाँ पर सामान ले लिया जाता है, और जो सामान वापस से अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे वापस से भर दिया जाता है, और ये जो गाड़ी है ये वापस से रक्त वाहिनी में आ जाती है, यानी रोड पर आ जाती है, और ये चली जाती है हृदय में, और हृदय वापस से इसे पंप करता है, यानी मोटर की तरह कार्य करता है। तो ये तो हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम समझ लेते हैं खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है। इसमें जो रक्त होता है वो रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, यानी रक्त वाहिनियों में तो बहता है लेकिन जब ऑर्गन्स में जाता है तो वहां पर रक्त वाहिनी नहीं पाई जाती है, यानी वहां पर जो गाड़ी है वो रोड से नीचे उतर जाती है। अभी हम समझ लेते हैं, जैसे अभी हमने बंद परिसंचरण तंत्र में समझा था, तो खुले परिसंचरण तंत्र में जैसे ये हृदय हो गया, ये जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है ये निम्न प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कीट, इनमें केशिकाएं नहीं होती। अभी हम समझेंगे केशिकाएं क्यों नहीं होती हैं। अब ये रक्त है, रक्त पहले तो रक्त वाहिनियों में होता है, ऐसा नहीं होता है कि इनमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती हैं, रक्त वाहिनियां तो पाई जाती हैं, ये रक्त वाहिनी आ गई जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। इसी तरह से ये ऑर्गन में घुस जाती है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, ये ऑर्गन में घुस गई है, लेकिन इसके आगे यहाँ पर ये क्या है, मोटर है, और ये रोड है। अब रोड पर गाड़ी आ रही है सामान भर के, अब सामान भर के जब इस जहाँ पर उतारना है इसे, यानी यहाँ पर ऊतक में उतारना है, तो इस ऊतक में कैसे उतारती है, इस ऊतक में उतारने के लिए ये गाड़ी रोड से नीचे उतर जाती है, यानी यहाँ पर रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं,
रक्तवाहिनी तो पाई जाती है, लेकिन जो ऊतक होते हैं उनमें रक्तवाहिनियाँ नहीं पाई जाती हैं। उनमें कौन सी रक्तवाहिनी पाई जाती है? केशिका, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, धमनी और शिरा को मिलाने वाली जो रक्तवाहिनी है उसे हम कहते हैं केशिका। और बंद सॉरी खुला परिसंचरण तंत्र में केशिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, यानी जो रक्त है वो सीधे ही नीचे उतर आता है। धमनी से आती है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, यहाँ पर ऑर्गन में घुस जाती है, उसके बाद में यहाँ पर केशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी ये जो रक्त है ये इस ऑर्गन में भर जाता है। अब इस रक्त में से जो भी पदार्थ कोशिका को चाहिए, जैसे इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को जो भी पदार्थ चाहिए वो इस पदार्थ को ग्रहण कर लेती हैं, और जो भी छोड़ना है वो इसमें छोड़ देती हैं। यानी सीधी सी बात है, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगी, ग्लूकोज ग्रहण कर लेंगी और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें छोड़ देंगी। अब ये आ जाती हैं कहाँ पर? सिरा में। यहाँ से शुरू होती हैं सिराएं, यानी यहाँ पर कैसी हो गई? अशुद्ध रुधिर हो गया, जैसे ये शुद्ध रुधिर है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर हो गया, इसे हम नीले पेन से दर्शा देते हैं। इस तरह जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है, रक्त धमनी के द्वारा आता है, ऑर्गन में जब आता है तो उसमें केशिकाएं नहीं पाई जाती है, यानी रक्त सीधा फ्लो हो जाता है, यहाँ पर फैल जाता है, और जो कोशिकाएं हैं उन्हें जो भी पदार्थ चाहिए वो सीधे ग्रहण कर लेती हैं, और जो भी त्यागना है वो सीधे रक्त में डाल देती है, और रक्त अशुद्ध हो जाता है और शिराओं के द्वारा वापस से हृदय में चला जाता है, और हृदय से कहाँ पर चला जाता है? फेफड़ों में, और फेफड़ों से वापस से जो शुद्ध रुधिर है वो हृदय में आता है, और हृदय से वापस से घूमकर वापस से ऑर्गन में आ जाता है। इस तरह के तंत्र चलता है, इसे हम क्या कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र, क्योंकि इसमें केशिकाएं नहीं होती है। खुला क्यों को कहते हैं? क्योंकि रक्त एक बार खुला हो जाता है, यानी रक्त वाहिनियों से निकल जाता है, रोड पर उतर जाता, रोड से उतर जाता है, यहां से गाड़ी आई वो सीधे, यहाँ पर रोड ही नहीं है तो नीचे तो उतरेगी, तो गाड़ी सीधे नीचे उतर जाती है, रक्त इसमें प्रवाहित हो जाता है, और फिर लास्ट में ये सिराओं के द्वारा वापस से हृदय में चला जाता है। ये तो हमारे हो गए रक्त परिसंचरण तंत्र, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र और बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। अगला टॉपिक है रक्त, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का वह भाग जो विभिन्न पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य करता है, यानी गाड़ी की भांति कार्य करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है तरल भाग और एक होती है कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। जी, जो आपको ब्लड का चित्र दिख रहा है ये तो ब्लड क्या है, वेसल्स है, यानी रक्तवाहिनी है, और इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। इसमें एक तो तरल भाग होता है, एक कोशिकाएं होती हैं। ये जो पीला रंग का है ये कौन सा है? तरल भाग है, इसे हम कहते हैं प्लाज्मा। ये कुल रक्त का 55% होता है। ये थोड़ा येलो कलर का होता है, यानी पीलापन लिए हुए होता है, लेकिन हमारा जो रक्त है वो लाल कलर का होता है। लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर RBC पाई जाती है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, अभी हम आगे बात करेंगे। और बाकी की जो ये कोशिकाएं हैं इनमें आ गई RBC, WBC और प्लेटलेट्स। ये कुल रक्त का 45% है, यानी रक्त में क्या है? तरल ज़्यादा है, क्योंकि तरल ज़्यादा होगा तभी तो रक्त बहेगा, रक्त बहने का कार्य करता है, यानी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करता है, तो वो खुद बहेगा तभी तो स्थानांतरित करेगा, तो उसमें जो बहने का गुण होता है वो कौन करता है? प्लाज्मा करता है, यानी तरल करता है। यही तरल भाग यानी जो प्लाज्मा होता है यही खाद्य पदार्थों का संचय करता है, यानी जो खाद्य पदार्थ जैसे मोनोसेक्रेड्स, ग्लूकोज, फ्लैक्टोज, गैक्टोज और बाकी के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा करता है, ना कि कोशिकाएं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह कौन करता है? कोशिकाएं करती हैं, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर जो RBC है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ संयोग करके डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात कर लेते हैं, प्लाज्मा किससे बना होता है? प्लाज्मा जो है वो तरल भाग है, तो सीधी सी बात है इसमें पानी तो पाया जाएगा,
और इसके साथ ही पानी के साथ ही इसमें प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। पानी कितना होता है 90 से 92% यानी जो रक्त है उसका ज़्यादा पार्ट यानी तरल भाग है वो किससे मिलकर बना होता है, पानी से मिलकर बना होता है और पानी में भी 90 से 92% यानी 55 का लगभग 50% यानी पूरे रक्त में 50% तो पानी होता है। और जो प्लाज्मा है उसका 8 से 9% जो है वो प्रोटीन है। अब आप कहोगे कि ये तो पूरा ही रक्त हो गया कि 45% तो कोशिकाएं हो गई और प्लाज्मा में 90% जल हो गया और 8 से 9% प्रोटीन, तो जो न्यूट्रिएंट्स आयन्स और हार्मोन्स हैं वो कहाँ पर गए? न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स और जो आयन हैं वो इसी में होते हैं, प्लाज्मा में ही होते हैं, खनिज पदार्थ भी इसी में होते हैं, हार्मोन भी इसी में होते हैं और आयन जो हम बड़ी आंत अवशोषित करती है वो इसी में होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं, लेकिन इनका आयतन इतना कम होता है कि इन्हें नगण्य माना जाता है। फिर भी हमने 1% छोड़ दिया इनके लिए, ये 90 से 92% ये, 8 से 9% ये, और बाकी का जो 1% है वो लगभग खनिज हार्मोन और आयन होते हैं। प्लाज्मा के अंदर ये जो प्रोटीन है 8 से 9% ये तीन तरह की होती हैं, आपने नाम भी पहले सुने होंगे, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रोमिन। ये जो एल्ब्यूमिन और फाइब्रोमिन होते हैं इनका निर्माण तो लीवर करता है, ये आपको याद रखना है कि एल्ब्यूमिन और जो फाइब्रोमिन होते हैं इनका निर्माण लीवर करता है। इसमें जो एल्ब्यूमिन होती है ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, यानी रक्त में जितनी भी तीन तरह की प्रोटीन होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन सर्वाधिक और सबसे कम फाइब्रोमिन होती है। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये अंडे में भी पाई जाती है, नाम सुना होगा आपने अंडे में, अंडे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एल्ब्यूमिन। और हमारे रक्त में जो प्रोटीन पाई जाती है उसमें भी सबसे अधिक एल्ब्यूमिन पाई जाती है। ये क्या करती है, हमारे जो छोटे मोटे घाव होते हैं उनको भरने का कार्य करती है, यानी छोटे मोटे घाव हो गए तो वहाँ से रक्त को निकालने का सॉरी जो रक्त निकलता है उसको निकालने से बचाती है। रक्त का थक्का जमाने का कार्य तो अब फाइब्रोमिन का हो गया, एल्ब्यूमिन का क्या होता है, यहाँ पर हमने जो पढ़ा था केशिकाएं थी वहाँ से एक द्रव निकल रहा था, वो द्रव निकल रहा था वो कौन सा था, प्लाज्मा था, लेकिन जब वो ऊतक में पहुँच जाता है तो उसे हम ऊतक द्रव कहते हैं। यहाँ से ये जो पीला कलर का दिख रहा है ये क्या है, प्लाज्मा है। अब एल्ब्यूमिन जब पाई जाएंगी इसके अंदर तो ये प्लाज्मा ऐसे नहीं है कि यहाँ से जब आते ही प्लाज्मा सारा बाहर निकल जाता है, प्लाज्मा सारा बाहर नहीं निकलता है, कुछ मात्रा ही प्लाज्मा की निकलती है जो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आती है, ये बहुत अल्प मात्रा होती है। अब बाकी का जो प्लाज्मा है उसे स्टोर करके कैसे रखें, तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है वो उसे बाहर नहीं निकलने देती है, यानी एल्ब्यूमिन क्या करती है प्लाज्मा को बाहर नहीं निकलने देती है। हालांकि ये प्लाज्मा का ही एक पार्ट है लेकिन प्लाज्मा में और 90 से 92% पानी है, तो ये पानी और एल्ब्यूमिन एक साथ रहते हैं, यानी एल्ब्यूमिन उन पानी को बाहर नहीं जाने देती है। और ये जो ग्लोब्यूलिन होती है इसके ये तीन तरह की प्रोटीन होती है, अल्फा, बीटा और गामा, सॉरी अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन तरह की ग्लोब्यूलिन होती हैं। इनका कार्य हमें नहीं पढ़ना है, बस ये याद रखना है कि ग्लोब्यूलिन तीन तरह की होती है, अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और डेल्टा ग्लोब्यूलिन। तो ये तो हो गया प्लाज्मा का संगठन, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, पानी होता है और 8 से 9% प्रोटीन होती है और बाकी 1% खनिज हार्मोन और आयन और भी जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी इसके अंदर ही सम्मिलित कर लिए गए हैं। और ये जो प्रोटीन होती है ये तीन तरह की होती है, 8 से 9% वाली तीन तरह की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिलिन। एल्ब्यूमिन क्या करती है प्लाज्मा को बाहर नहीं जाने देती है, प्लाज्मा को बाहर क्यों नहीं जाने देती है क्योंकि ये पानी के साथ संयोग रखती है, पानी को बाहर नहीं जाने देती है, पानी इसके बिना नहीं रह सकता है, ये पानी के बिना नहीं रह सकती है। तो ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, हमें पता है कि प्रोटीन का आकार थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर जो कैपिलरीज पाई जाती हैं ये कैपिलरीज है सिरा और धमनी को जोड़ने वाले, ये कैपिलरी है, इसके अंदर छिद्र होते हैं, यहाँ पर छिद्र हैं,
अब इस ये छिद्र इतने महीन महीन होते हैं, केवल इनसे पानी ही निकल सकता है। ये जो प्रोटीन के कण हैं एल्ब्यूमिन, ये नहीं जा सकती हैं, अंदर से बाहर नहीं आ सकती। तो कुछ जो पानी इसके संपर्क में नहीं रहता है वो तो बाहर निकल जाता है, और बाकी इसके चारों तरफ जो पानी पाया जाता है वो बाहर नहीं जाता है। यानी एल्ब्यूमिन क्या करती है, पानी को बाहर नहीं निकलने देती है, उत्तक द्रव नहीं बनने देती है, क्योंकि जब पानी नहीं होगा तो यहाँ पर जो कणिकाएं हैं, ये हम कोशिकाएं पढ़ेंगे, कणिकाएं यहाँ पर जमा नहीं होंगी, जमा हो जाएंगी, और जमा होंगी तो ये आगे नहीं जाएंगी, जिससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है। इसके कारण ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत अधिक उपयोगी है। दूसरा आता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 प्रकार की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और डेल्टा ग्लोबुलिन। इसका हमें नहीं पढ़ना है। फाइब्रोमिन क्या करती है, ये सबसे कम होती है, और इसके अलावा ये क्या करती है, हमारे जो छोटे मोटे कट होते हैं उनको, उनसे रक्त को बाहर नहीं निकालने देती है। इन दोनों जो प्रोटीन का निर्माण होता है, इनका निर्माण लीवर में होता है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा, हमारा जो तरल भाग था वो। अब दूसरा आता है कणिका या कोशिका, यानी WBC, RBC और प्लेटलेट्स। एक बार ये जान लेते हैं कि रक्त का निर्माण कैसे होता है, फिर हम सेल्स के बारे में जानेंगे, यानी प्लाज्मा और सेल्स के बारे में एक बार कॉम्बिनेशन जान लेते हैं। जैसे ये रक्त वाहिनी है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, कणिकाएं भरी हुई हैं और प्लाज्मा भरा हुआ है, और प्लाज्मा के अंदर क्या तैर रही है, ये तो तरल भाग है, इसके अंदर WBC, RBC और प्लेटलेट्स यानी सेल्स तैर रही है। अभी तो हमने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ लेते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, यानी पहले तो हम पानी लेकर आते हैं कि पानी कहाँ से लेकर आए। जैसे अभी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया था कि हमारी जो आहार नाल होती है उसमें छोटी आंत में तो भोजन का अवशोषण होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। यानी ये जो बड़ी आंत है यहाँ से जल का अवशोषण, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, यहाँ से जल का अवशोषण होगा और जल जाएगा यहाँ पर। यानी हम जो पानी पीते हैं वो सारा यूरिया में नहीं जाता है, यूरिया में नहीं बदलता है। हमारी जो बॉडी होती है उस वो लगभग 70% पानी से बनी होती है, यानी पानी तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो छोटी जो बड़ी आंत होती है वो जल का अवशोषण करती है और कहाँ पर डाल देती है, रक्त में डाल देती है, जिससे प्लाज्मा का स्तर बढ़ जाता है। और यहाँ पर जो छोटी आंत होती है ये भी अपने जो अवशोषित पदार्थ है वो कहाँ पर डालती है, जल में डालती, सॉरी रक्त में डालती है। तो यहाँ पर इसमें भी कुछ जल की मात्रा अवशोषित होती है और इसके अंदर भी जल अवशोषित होता है। यानी प्लाज्मा तो कहाँ से आ जाता है, जल से आ जाता है, और प्रोटीन तो हम जो खाते हैं वहाँ से प्रोटीन बनती है, तो प्रोटीन भी रक्त में आती है। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाता है प्लाज्मा, यानी जो हमारी आहार नाल है वहाँ पर जो जल अवशोषित हो रहा है और वहाँ पर जो प्रोटीन अवशोषित हो रही है उनसे तो बन रहा है प्लाज्मा। और बाकी की जो कणिकाएँ हैं वो कहाँ से बन रही हैं, कणिकाएं बनती है हमारी बोन में। ये हमारी बोन है, बोन कई टाइप की होती है आपको पता है। ये कैसी है, लॉन्ग बोन है, बोन का एक टाइप है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन कुछ इस तरह की होती है, इसमें कणिकाओं का निर्माण होता है। यानी रक्त में जो प्लाज्मा है वो तो आ जाता है आहार नाल से, यानी उस आहार नाल से जल अवशोषित होता है, प्रोटीन अवशोषित होती है, उनसे तो बन जाता है रक्त का प्लाज्मा। और बाकी की जो कणिकाएं हैं वो बनती है बोन से। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बोन जो होती है वो अंदर से खोखली होती है, उसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। यहाँ पर ये जो पीले कलर की है ये है अस्थि मज्जा, इसमें पीला कलर का द्रव भरा होता है, इसलिए हम इसे पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी येलो बोन मैरो, यानी पीली अस्थि मज्जा, यानी ये जो अस्थि मज्जा है अंदर स्थान है इसमें पीला द्रव भरा होता है, इसके कारण इसे हम YBM कहते हैं, यानी येलो बोन मैरो। और साइड साइड में ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर भी छिद्र पाए जाते हैं, ये वाले यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें भी अस्थि मज्जा कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा यानी RBM। तो जो कणिकाओं का निर्माण होता है वो पीली अस्थि मज्जा में नहीं होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। आपको याद रखना है कि बोन के अंदर बीच में एक स्थान पाया जाता है, उसमें पीला द्रव भरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीली अस्थि मज्जा कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जो कणिकाएं हैं उनका निर्माण नहीं होता है, साइड साइड में जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर छेद पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं लाल अस्थि मज्जा। वहाँ पर
आरबीसी का निर्माण होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और साथ साथ में जो प्लेटलेट्स हैं वो भी यहीं से बनती हैं, यानी जो कणिकाएं पार्ट हैं वो कहाँ से बनती हैं, अस्थि मज्जा से, वो भी लाल अस्थि मज्जा से, और ये चली जाती है रक्त में। तो इस तरह से हमारा जो रक्त का संगठन है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी रक्त कंप्लीट बन जाता है। अब आप कहोगे कि ये पीली अस्थि मज्जा क्यों पाई जाती है, जब ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स बनाती ही नहीं है तो ये पाई क्यों जाती है। ये हमारे जन्म के समय नहीं पाई जाती, यानी हम जो छोटे रहते हैं तब हमारे अंदर पीली अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती है, केवल हमारे अंदर लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। और जैसे जैसे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, जैसे जैसे हमारी बोन डेवलप होती हैं, तो यहाँ पर बीच में जो रेड रेड कलर के छेद थे, पहले इतनी बोन थी हमारी, अब यहाँ पर रेड थे, अब वो जो रेड कलर के छिद्र थे यानी लाल अस्थि मज्जा थे वो नष्ट हो गए, नष्ट होना स्टार्ट कर दिए, यानी उनमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी प्लेटलेट्स का निर्माण बंद हो गया। तो नई जो आरबीएम है वो विकसित हो गई, और जो पुरानी आरबीएम है जो काम करना बंद कर दी, उन्हें हम कहते हैं पीली अस्थि मज्जा, उन्हें पीला द्रव भरा जाता है, उन्हें हम कहते हैं पीली अस्थि मज्जा। लेकिन जब हमारा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरी तरीके से, तो उसमें क्या होता है, उसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका रक्त ज़्यादा निकल जाता है, क्योंकि उसका रक्त बाहर निकल गया तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो जो आरबीएम है, ये छोटे छोटे छिद्र हैं, ये जल्दी जल्दी आरबीसी बनाना स्टार्ट कर देती है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जल्दी जल्दी बनाती हैं, लेकिन इससे हमारे शरीर में रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, तो इससे आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स इससे काम नहीं चलेगा। तो इसके अंदर बीच में जो पीली अस्थि मज्जा है आरवाईबीएम है, ये क्या करती है, ये लाल अस्थि मज्जा में कन्वर्ट हो जाती है, यानी यहाँ से आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनना स्टार्ट हो जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पीली अस्थि मज्जा छोटे बच्चों में नहीं पाई जाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो पीली अस्थि मज्जा विकसित होती जाती है, और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो ये जो पीली अस्थि मज्जा है ये आरबीएम में बदल जाती है, यानी लाल अस्थि मज्जा में बदल जाती है, और यहाँ से रक्त की कणिकाओं का निर्माण होता है और रक्त जो है हमारी आपूर्ति हो जाती है। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा और सेल का, जो कोशिकाएं थी कणिकाएं थी उनका कॉम्बिनेशन, की उनका निर्माण कैसे होता है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अगली वीडियो में हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो रक्त कणिकाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।